पनामा लीक्स खुलासे को लेकर अमर सिंह ने अमिताभ बच्चन पर कसा तंज, पूछा महानायक बताएं कौन कर रहा है उनके नाम का गलत इस्तेमाल। अटल बिहारी वाजपेयी की अपील से ज्यादा जिसकी मां सपील हो, दो बूंद पानी जो पोलियो को अपनी अपील से खत्म करा दे। तो जिस आदमी की आवाज इतनी दूर तक जाती है और जो अपने बयान में कहता है मेरे नाम का गलत इस्तेमाल हुआ है, हाय अरे भाई हाय जरा बताओ हाय कि तुम्हारे नाम का गलत इस्तेमाल करने वाला कौन है। हाय इंडिया 24/7 की खबर पर लगी मुहर, सामने आया अमिताभ और पीछावाला का बिजनेस कनेक्शन, डीएनए अखबार का खुलासा, बच्चन ने पीछावाला से लिया था 37 करोड़ का लोन। इंडिया 24/7 के एडिटर वासिंद्र मिश्र से खास बातचीत में अमर सिंह ने किया था लेन देन का खुलासा। डीएनए के खुलासे पर अमिताभ बच्चन की सफाई, कहा ईडी और इनकम टैक्स 7 साल से कर रहे हैं मामले की जांच, मैं करता हूं देश के कानून का सम्मान। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज ईडी के सामने विजय माल्या की पेशी, माल्या के पेश होने को लेकर असमंजस, आज पेश न हुए तो जारी हो सकता है गैर जमानती वारंट। जल संकट से महाराष्ट्र में अब जान का खतरा, लातूर के अस्पतालों में पानी न होने से रुकी सर्जरी, पूरे देश में गर्मी की जानलेवा मार, आंध्रा और तेलंगाना में 100 से ज्यादा मौतें। वाराणसी में जारी स्वच्छ अब भारत अभियान से खुश नहीं है प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय मंत्री का खुलासा, खर्च हुए 32 करोड़ का अता पता नहीं। भारी गर्मी में यूपी को लगेगा बिजली का करंट, यूपी विद्युत नियामक आयोग ने 12 पावर प्लांट को बंद करने की सिफारिश की, प्रदूषण और कम उत्पादन का दिया हवाला। मसूद अजहर के नाम पर एनआईए कोर्ट ने निकाला वारंट, पठानकोट पर पाकिस्तान के धोखे को यूएन में ले जाने की तैयारी, मसूद को इंटरनेशनल आतंकी घोषित कराने के लिए भारत यूएन को देगा कुछ और सबूत। तंजील अहमद मर्डर केस में मुख्य आरोपी मुनीर अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर, मुनीर पर यूपी पुलिस ने घोषित किया है 50,000 का इनाम, आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से लोगों में नाराजगी। यूपी के राज्यपाल राम नाईक पर मंत्री आजम खान की टिप्पणी का मामला, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा राज्यपाल सीएम और विधानसभा अध्यक्ष मिलकर सुलझाएं विवाद। उत्तर प्रदेश में 2011 में हुई टीटी परीक्षा धांधली की जांच में नया खुलासा, 5 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों का आंसर शीट गायब, इलाहाबाद हाईकोर्ट में राज्य सरकार के अधिकारी ने दी जानकारी। पीएम के स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम पर भारी पड़ रही है अधिकारियों की लापरवाही, नोएडा में अब तक नहीं मिली लाभार्थियों को ई रिक्शा की चाबी, दर दर भटकने को मजबूर है लोग।